Hi friends, welcome to my channel. Today I will be teach you how to write report writing. How to write a report. सबसे पहले आज हम लोग का टॉपिक रहेगा फायर एक्सीडेंट पे रिपोर्ट राइटिंग लिखना. तो जब भी कोई लेटर लिखते हैं उसमें दो सेंक्शन होता है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड, दोनों लेफ्ट राइट. तो दोनों तरफ ध्यान से देखिएगा. लेफ्ट तरफ जो है हम लोग दे देंगे डेट, जैसे कि डेट आज हो गया 1 मार्च 2023. उसके बाद नीचे लिखेंगे एड्रेस, उत्तर प्रदेश वाराणसी, ठीक है, मतलब वाराणसी उत्तर प्रदेश, कॉमा देकर पहले बनारस प्लेस का नाम, उसके बाद राज्य का नाम लिख देंगे. बाई किसके द्वारा है ये तो लिख देंगे अपना नाम जो भी है. अब उसके बाद स्टार्ट कर देंगे. टॉपिक क्या है? फायर एक्सीडेंट. आइए सुनते हैं. ए फायर ब्रोक आउट इन अ कहाँ? वाराणसी. स्टार्टेड इन अ टू स्टोरी हाउस ड्यू टू अ गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन. क्यों आग लगा? तो गैस सिलेंडर जो है वो फट गया, आग लग गया उसमें. 3 persons have received severe burn injuries and household goods worth almost 2 lakh. उन घर में रखा सामान जो है वो लगभग 2 लाख का क्षति हो गया. We are completely destroyed. अब गैस जब destroyed, गैस जब फटेगा तो आग लगेगा. आग लगेगा तो उसमें जितने भी पब्लिक हैं उनको भी क्या होगा? इंजरी होगा, बहुत खतरनाक डिस्टर्बेंस भी होगा, घर का सामान भी क्षतिग्रस्त होगा. उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे. फिर द इंसिडेंट टूक प्लेस ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ ए सिलेंडर एज द रेगुलेटर वाज नॉट फिक्स्ड. रेगुलेटर जो है वो फिक्स नहीं था, या फिर गैस लीक होता है, इसी कारण से फायर जो होता है, फायर एक्सीडेंट नॉर्मली सबसे ज़्यादा होता है. रेगुलेटर वाज नॉट फिक्स्ड प्रॉपरली ऑन द न्यू सिलेंडर. द लीक्ड गैस कॉज्ड फायर रिजल्टिंग इन द एक्सीडेंट. इट टुक 3 fire tenders ऑलमोस्ट 4 hours to control the fire. The police have registered a cause of accident. जब भी कहीं आग लगता है ना तो ज़्यादा तो दिक्कत है बुझाने से, ज़्यादा वो जो पेपर वर्क होता है एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस का वो बहुत लंबा चौड़ा होता है किसी भी चीज़ में. And a probe to investigate the exact cause. अब पता लगाएगा क्यों लगा, आपका गलती था, एजेंसी वाले का सिलेंडर में कोई फॉल्ट था, सारा कुछ पता लगेगा. काउज ऑफ द फायर विल बी कैरिड आउट. उसके बाद द इंजर्ड पर्सन ए मैन एंड टू, जो भी उसमें रहते हैं व्यक्ति उनके बारे में जिक्र करना होगा. टू मेन या वोमेन जो भी हैं वो मेंशन कर दीजिएगा. वे आर एडमिटेड टू द बर्न वार्ड ऑफ कोई भी हॉस्पिटल का नाम लिख सकते हैं. अच्छे हॉस्पिटल में जाइएगा, नहीं तो बहुत खतरनाक आजकल का हॉस्पिटल है उसका नाम मेंशन कर दीजिएगा. किसी भी हॉस्पिटल का नाम अगर आप उसमें मेंशन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सही हॉस्पिटल होना चाहिए. एंड देयर कंडीशन इज स्टार्टेड टू बी, बता रहे हैं इंतज़ार करिए, क्रिटिकल. जब भी आग लगेगा तो क्या क्या होगा, क्या क्या हम लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे. सबसे पहले आग लगा, ठीक है, घर में रहने वाले व्यक्ति हैं, आग लग गया तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ होगा. जैसे ही आग लगेगा उससे कठिनाई ये होगी कि घर में जितने भी लोग रहेंगे उसके आसपास वो उन पे इंजरी होगा. हाँ, बहुत तो अगर नज़दीक रहेंगे तो ज़्यादा होगा.
उसके बाद गैस जहाँ फटा है अगर वहाँ पे आसपास में सामान हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाएंगे तो उनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। सबसे पहले आग लगेगा तो खुद से प्रयास करने से पहले पुलिस को कॉल कर दीजिए, फायर ब्रिगेड आएगा, जो भी आपका नंबर हो 101 या 112 पे नहीं करिएगा, पुलिस का होता है, 102 एम्बुलेंस का होता है और फायर 101 होता है। जो भी आपके स्टेट में नंबर रजिस्टर्ड हो वो मेंशन करिएगा कॉपी में, उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपको। उसके बाद पुलिस आएगा, फिर वो सबसे पहले आग बुझाएगा, फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा क्यों लगा आग, क्या कारण क्या था आग लगने का, क्यों आखिर आग लगा, तो वो हो गया। उसके बाद वो लोग अपना रिपोर्ट तैयार करेगा। अगर एजेंसी वाले का गलती रहा तो आपको कुछ मुआवजा भी मिल जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस करवाए रहिएगा तो क्लेम कर सकते हैं, तो इंश्योरेंस वाला चीज़ भी आप, ये जो अगर इस तरह का रिपोर्ट राइटिंग फायर एक्सीडेंट पे आए तो मेंशन जरूर करिएगा कि एवरी ह्यूमन हैव टू राइट टू इंश्योर योर सेल्फ, मतलब इंश्योरेंस करवाइएगा तो फायदा में रहिएगा, इस तरह का चीज़। फिर हॉस्पिटल जाइएगा, फिर ठीक होइएगा, रिकवर होइएगा, इस सब चीज़ मेंशन करिएगा तो ये रिपोर्ट राइटिंग बिल्कुल सही हो गया। इसमें मेन चीज़ क्या था, सबसे ऊपर में जो है नाम एक तरफ और एक तरफ डेट और प्लेस विथ स्टेट, ये सारा चीज़ एड्रेस वो मेंशन कर दीजिएगा।